हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि हम आपको लगातार आईसीआरसी, यूटी, यूजी, पीजी और एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देते आ रहे हैं, उसी के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आज आईसीआर यूजी के मॉपअप राउंड के बारे में और कितनी सीटें आपकी खाली रही और क्या क्या आपको जानकारी के बारे में ध्यान रखना है। और इस वीडियो का हमारा यही मोटिव है ताकि बच्चे जो है मॉपअप राउंड के बारे में जान सके कि कब शेड्यूल आएगा और कितनी सीट हमारे लिए वैकेंट है या हमें काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, और हमें अभी तक अगर कोई कॉलेज नहीं मिला है तो हम क्या करें। इन सब तमाम बातों की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो बिना देरी करें चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने। तो आप अगर आपको अब शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल आपका मॉपअप राउंड का स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। ठीक है, 1 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है और 1 तारीख से आपका स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना होगा, फ्रेश जो चॉइस फिलिंग है वो करनी होगी। ठीक है, जैसे आपने नॉर्मल हमारा जो रेगुलर राउंड है उसका रजिस्ट्रेशन किया था, वैसे ही आपका मॉपअप राउंड का भी रजिस्ट्रेशन होगा। मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 बजे से आपका पोर्टल पे शो हो गया होगा। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग की एंड डेट है तो वो आपकी 3 तारीख रहने वाली है, मतलब आज। अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी। उसके बाद आपका 6 तारीख को पूरा शेड्यूल आएगा। ठीक है, पूरा मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद आपको अलॉटमेंट शो हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट 6 तारीख को। ठीक है, सीट अलॉटमेंट आपको शो हो जाएगा 6 तारीख के आने के बाद। आपको फिर ऑनलाइन जो आपको अगर सीट मिलती है तो आपको फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पोर्टल पे शो होगा। ठीक है, आपको सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे 8 तारीख तक, 8 तारीख के बाद। उसके बाद 9 तारीख को आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट छूटता है या फिर आपको अपने डालना भूल जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो रिसबमिशन के लिए आपको रिक्वेस्ट करेगी और आपको वो रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, 10 तारीख को। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है या रिसबमिशन है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो आपको 10 तारीख तक की लास्ट डेट रहने वाली। उसके बाद आपको 10 तारीख को ही फीस जमा करानी होगी। जिसको भी सीट अलॉट हुई है उनको 10 तारीख तक ही फीस जमा करानी होगी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपको इस एडमिशन रिलेटेड या फी पेमेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर समस्या को लेकर आपको कोई क्वेरी है तो आप जो आईसीआर की हेल्प डेस्क है उस पर मेल कर सकते हो। आपको मैं बता दूं, अगर आपको फी पेमेंट से रिलेटेड या फिर आपको एडमिशन से रिलेटेड या आपको यूनिवर्सिटी वाले कुछ दिक्कत कर रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आप बिना किसी झिझक के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं पोर्टल पर, उस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करते हैं कितनी सीट्स वैकेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास बात आ जाती है कि हम काउंसलिंग तो करा लें बट क्या हमारे पास सीट कितने अवेलेबल है ये हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी सीट्स वैकेंट है, तो उसकी बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद फर्स्ट आपका यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की NDUET में आपका आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी में आपका जो है UR कैटेगरी में 5 सीटें खाली है, SC कैटेगरी में 1, ST में बिल्कुल भी नहीं है, OBC में 5, EWS में 7, उसके बाद PHS 6 और UPS 2 और ऐसे करके टोटल 18 सीट है। उसके बाद आपका NDUET जो आपका अयोध्या UP में है उसमें UR में 3 सीटें खाली, ST में 1 भी नहीं है, ST में 1, OBC में 3, EWS में 3, उसके बाद PH में 2 और UPS में 1 भी नहीं है, ऐसे करके टोटल हमारे पास 8 सीट है। वैसे ही आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर जोधपुर में आपका 1 सीट UR की, SC की 1 और आपके ST की 1 भी नहीं है, उसके बाद OBC की 1, EWS की 1, PH की 1, UPS की 1, ऐसे करके टोटल 4 सीट है। तो आप देख सकते हैं आपके मॉपअप राउंड में काफी ज्यादा सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगर कहीं ना कहीं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं या BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जरूर काउंसलिंग कराएं, आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं। आपको अगर आपके नंबर के आसपास जो है अगर आपको कॉलेज मिला होगा तो डेफिनेटली आपको जो है कॉलेज मिलेगा। तो आप बिना झिझक करें और बिना किसी डर के आप काउंसलिंग कराएं, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगा। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपका BHU में 2 UR की सीटें,
और बाकी करते ऐसे करके 4 सीटें खाली है, उसके बाद जीवीपीटी में भी आपका 6 सीटें खाली है। तो देख सकते हैं आप कितना जो है अच्छी अच्छी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में आपकी कितनी सीटें खाली है। तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉलेज मिलना है, ठीक है। तो आप जरूर काउंसलिंग कराएं और आपके IRI हब्स जो है इस बार जो है सीट्स है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कितनी सीटें खाली है। तो बहुत आपको लार्ज अमाउंट में सीटें खाली देखने को मिल गई है। और IGKV रायपुर में देखो 70 सीटें खाली है। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा आपको ऑफर मिला है। और लास्ट मोमेंट है, आप इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा और स्पोर्ट राउंड अगर सीटें खाली रहती तो स्पोर्ट राउंड आपका होने वाला है। तो उससे पहले आप मॉपअप में सीट पा लेंगे और आपका जो है रेगुलरली क्लासेस चल जाएगी और आपका दिन ब दिन लेट होता जा रहा है क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी और जो आपका ICR है वो काफी डिफरेंट चलते हैं। तो आपके कहीं पे क्लासेस भी चलने लग गई होगी और कहीं पे जो है मिड भी आने वाले। तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लें। और आपको अगर जब आपका एडमिशन होता है, ठीक है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप हमसे जुड़े रहें, वहाँ पे हम आपको इस चैनल के माध्यम से सेमेस्टर की जो क्लासेस है उनका प्रॉपर जो है क्लासेस लगवाएंगे और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो सारे सेमेस्टर की आपको क्लासेस मिल जाएगी और आपको किसी भी अदर एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी और आपको तमाम जो है ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। और उसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रेगुलरली अपडेट देखने को मिलेगा और आपको रोज क्विज मिलेगी। उसके बाद आपका हमारे कम्युनिटी के जो पोस्ट है से पोस्ट को जो है सोल्व कर सकते हैं, हमारे क्विजेस डाल रखिए और रेगुलरली आपको अपडेट करते रहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप बिना किसी झिझक के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।